हेलो एवरीवन, फैक्टोक्रेसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ऐसे कुछ जो चल रहा है हमारे आसपास, वो उससे जैसे समाचारों को देखकर या न्यूज़पेपर में पढ़ के कुछ कुछ विचार आते हैं मन में, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये जैसे आजकल आप सबको पता होगा कि आजकल चल रहा है जो ड्रग्स का मामला है वो चल रहा है, और ये मामला शुरू हुआ मुंबई में एक अभिनेता की मृत्यु के साथ, ये मामला शुरू हुआ और उसके बाद उसकी जांच और उससे फिर जुड़ते जुड़ते बहुत सारे तार जुड़ते चले गए, बहुत सारे मामले आते चले गए। तो शुरू में ज़्यादातर लोगों को ये लगा कि क्योंकि फिल्मी दुनिया से ये संबंधित मामला है तो इस पर इसलिए ये ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। ऐसे तो कितने ही लोग उनकी मृत्यु हो जाती है जिसको कोई देखने वाला कोई पूछने वाला नहीं रहता है, तो ये क्योंकि फिल्मी दुनिया से संबंधित मामला है तो इसलिए ये हाईलाइट हो रहा है, इस पर इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। या फिर और भी समस्याएँ हैं देश में जो अभी बहुत ज़्यादा जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति है, या फिर बेरोजगारी की स्थिति है, या फिर सीमा पर तनाव है। ठीक है, ये सारी समस्याएं हैं और इन पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है, लेकिन जिस तरह का मामला ये समझा जा रहा था उस तरह का मामला नहीं है। ये जो है सारे समाज से संबंधित मामला है, और जैसे जैसे इसकी परतें जो है और ज़्यादा ये खुलती चली जा रही हैं, तो ये समझ में आ रहा है कि ये पूरे समाज से जुड़ा हुआ मामला है। ड्रग्स जो है वो पूरे समाज को प्रभावित करता है और ये आपके हमारे घर को प्रभावित करने वाला मामला है। एक एक घर में, जैसे कि समाचारों में सुनते सुनते ये पता लगा कि ये सिर्फ फिल्मी दुनिया ही नहीं, ये पूरे देश में ये समस्या है। और जैसे बच्चों पर इसकी लत लगाने के लिए स्कूल के बाहर जो है वो आइसक्रीम बेचने वाले या इस तरह का, और भी इस तरह का प्रयास किया जाता है कि उनको इसकी लत लग जाए। तो पंजाब हरियाणा का हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा है इसका प्रभाव, ड्रग्स का प्रभाव है, नशे का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। तो ये पूरे समाज की समस्या है, और ड्रग्स का मामला जहाँ पर आ जाता है तो वहाँ पर जो है ब्लैक मनी इन्वॉल्व हो जाता है, वहाँ पर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तार जुड़ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गिरोह शामिल हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ से नहीं, ये बाहर से तस्करी करके लाया जाता है। तो हमें पता है हमारे आसपास पड़ोसी देशों में इसकी खेती होती है, अफीम की खेती होती है, और तरह तरह के ड्रग्स जो है वो दूसरे देशों से तस्करी करके लाए जाते हैं। तो इसमें पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय एंगल जुड़ जाता है इसमें, और ये आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा बन जाता है, आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है। फिर ये पैसा जो है ये गलत हाथों में जाता है, फिर ये जो है हमारे ही देश के खिलाफ हमारी सीमा पर इसका उपयोग किया जाता है, हमारे देश के अंदर इसका उपयोग किया जाता है हमारे ही खिलाफ, तो इस तरह से। और फिर पूरा जो यंग जनरेशन है उसको प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि किसी भी देश की ताकत जो है वो ये जो यंग जनरेशन होता है, ये जो जो युवाओं का जो आयु वर्ग होता है, जो समूह होता है, ये किसी भी देश की ताकत होते हैं। अगर इनको जो है इस तरह की लत लगा दी जाए, इनको जो है बेकार कर दिया जाए, तो ये फिर पूरे देश और पूरे समाज को प्रभावित करता है, एक एक घर को, परिवार को तो प्रभावित करता ही है। इसलिए ये इसका जो है मसला जो ये सिर्फ फिल्मी दुनिया को ही केंद्रित करके देखने और समझने और उसी तरह से सोचने की बजाय इसको एक व्यापक समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए, जैसा कि जो विभिन्न एजेंसियां हैं वो इसमें शामिल होती जा रही हैं इसकी जांच में। और क्योंकि इसमें देश की सुरक्षा का मामला आ गया है, और इसमें बस यही है कि इसको हम जागरूक रहें, अपने आसपास अपने घर में जागरूक रहें, और इसके टैकल करने का यही तरीका है कि हम जागरूक हों और किसी भी समस्या को उसके कई एंगल्स से उसको व्यापक रूप में देखें और जागरूकता बढ़ाएं, अपने बच्चों में अपने आसपास जागरूकता बढ़ाएं और खुद भी जागरूक रहें। और दूसरा एक ये है इसका कि हम जैसे इसकी ऐसे पोजीशन पर पहुँचे कि जहाँ पर हमारे हाथ में पावर हो, अथॉरिटी हो, और हम ईमानदारी से
जो अपनी अथॉरिटी है उसका उपयोग करते हुए इस इन चीज़ों को रोकने का प्रयास करें। जैसे इसमें एक 2008 बैच के IRS ऑफिसर हैं समीर वानखेड़े, उनका बहुत ज़्यादा नाम आ रहा है, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इससे आप प्रेरणा ले करके ये ऐसी ऐसे पोजीशन पर पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं कि ऐसे पोजीशन पर पहुंचें और वहां पर आपके हाथ में कुछ करने की पावर होती है, तो आप उससे इसको ये कर सकते हैं, यहां पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। तो एक सामाजिक स्तर पर और एक व्यक्तिगत स्तर पर जो हम प्रयास कर सकते हैं वो तो है ही, और जो आगे बढ़ करके हम एक उत्तरदायित्व ले सकते हैं अपने ऊपर, और इससे जैसे एवरी क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग, तो इस तरह के निगेटिव माहौल से भी हम प्रेरणा ले सकते हैं और कुछ करने का संकल्प ले सकते हैं। तो इससे प्रेरणा लें और कुछ करने का प्रयास करें, अपने आसपास जागरूकता बढ़ाएं, खुद को जागरूक करें, खुद को प्रेरित करें कि हम कुछ कर पाएं। ऐसी ऐसी एक ही समस्या नहीं है, कई समस्याएं हैं जहां पर ऐसे किसी पोजीशन पर पहुंच के हम अपना प्रभाव डाल सकते हैं। अगर हम जो क्योंकि काफ़ी पावर काफ़ी अथॉरिटी होती है, अगर उसका सही से सदुपयोग किया जाए तो निश्चित रूप से प्रभाव डाला जा सकता है। यही सब कुछ बातें थी। दिन रात न्यूज़ और अखबार वगैरह में पढ़ने से कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं, तो वो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूं और इससे शायद आप कुछ प्रेरित हों, तो इसलिए ये हमने बातें की। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।